ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज रविवार है और मोहिनी एकादशी है। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप अवतरित किया था, जिससे कि असुरों को अमृत से वंचित रहना पड़ जाए और देवताओं को अमृतपान सुलभता से हो सके। मोहिनी जो है इतनी आकर्षक थी कि जितने भी असुर लोग थे वो सब उसे देखते ही मोहित हो गए। वो ये समझ ही नहीं पाए कि किस में विष है और किस में अमृत। सोचिए, इतनी सुंदरता, इतनी मनमोहक छवि यदि किसी आम पुरुष के सामने आ जाए तो उसका क्या हाल हो। तो आज का जो मेरा मंत्र है वो इसी पर है कि अपने आप को इतना तेजस्वी, इतना ओजवान बना लें कि सामने वाला जो है वो आपको देखते ही बस टकटकी लगाए आपको देखता रहे। मोहिनी एकादशी पर आज मैं आपको एक ऐसा मोहिनी मंत्र दूंगा जिससे कि इस विश्व में जिस पर आपने ये लगा दी उसको आपके सिवा और कोई नहीं दिखेगा। आप उसके लिए इतने मनमोहक, इतने आकर्षक हो जाएंगे कि उसे किसी और को देखने की फुर्सत ही नहीं होगी। दिन रात बस वो आप ही के बारे में सोचता रहेगा। और इस मंत्र को मैं उन साथियों को देना चाहूँगा जिनके कि साथी बिछड़ गए हैं, दूर चले गए हैं, नाराज़ हो गए हैं, या फिर कोई मनमुटाव चल रहा हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो, इस तरह की स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सकता है। बहुत ही गूढ़ प्राचीन मंत्र है जो कि सदियों से छिपा पड़ा था, लेकिन आज मैं आपको उजागर करूंगा। इस मंत्र की खूबी ये है कि ये पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है। मेरे बहुत से साधक हैं, बहुत से ऐसे सीखने वाले श्रोता हैं मेरे जो कि यंत्र मंत्र तंत्रों पर रिसर्च करते रहते हैं, और लगभग 21 साल पहले किसी ने मुझे ये मंत्र दिया था और इसकी सार्थकता मैं आज तक देख रहा हूँ। और उसके बाद आज मैंने निर्णय लिया कि मोहिनी एकादशी पर आपको एक ऐसा मोहिनी मंत्र दिया जाए जो कि अचूक हो, जो कि ढूंढने से भी ना मिले। इस मंत्र की सिद्धि पाने के लिए आपको जो है सात्विक रहना पड़ेगा। सात्विक का मतलब है जैसे कि कई लोग होते हैं जो कहते हैं लहसुन प्याज नहीं खानी, आप इसमें खा सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने विचारों पर आपको संयम रखना होगा। इसलिए जो लहसुन प्याज है उससे परहेज करें और अपने मन मस्तिष्क को ऐसा बना दे कि आपके के जो भाव हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप देख रहे हैं, वो सब कुछ सात्विक हो। आपका ज़्यादातर समय जो है साधना में बीतना चाहिए। सुबह उठकर जब ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें देखिए प्रकृति अपना अलग ही रूप दिखाती है। चिड़िया जो है वो चहचहाती हैं, और एक बार एक घंटा दो घंटा आप वहाँ पर ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने से आपके भीतर कुछ ऐसी ऊर्जाएं आती हैं जो कि ढूंढने से भी नहीं मिलती, और ये जो ऊर्जाएं हैं ये आपको इस साधना में बहुत लाभदायी हैं। आपको सुबह सुबह दो घंटे जो है, कम से कम दो घंटे आपको ध्यान लगाना है, चाहे आप 3 बजे उठकर करें, 4 बजे उठ के करें, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको ध्यान लगाना है। उसके बाद पूरा दिन जो है आपका प्रभु भक्ति में बीतना चाहिए। भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। यदि आप किसी व्यवसाय में हैं, किसी प्रोफेशन में हैं जहाँ पर कि आपको समय नहीं मिलता, तो आप सिर्फ सुबह सुबह एक घंटा दो घंटा इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि
एक ऐसा स्थान ढूंढिएगा जो कि किसी वट वृक्ष के नीचे हो, किसी अनार के पेड़ के समीप हो, कोई ऐसा हवादार कमरा हो, कोई ऐसी गुफा हो, कोई ऐसा पहाड़ हो जहाँ पर कि आपको एक दो घंटे तक कोई भी डिस्टर्ब ना करे। आप बस बैठें और मग्न हो जाए अपनी साधना में, दूर दूर तक आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपको 21 दिनों तक सिर्फ एकांत में बैठकर ध्यान लगाना है और इस मंत्र का गुम्फन करना है। गुम्फन करने से आपके भीतर एक ऐसा तेज उत्पन्न होगा जो कि राह चलते को मोह लेगा। यदि सामने वाला आपको जानता भी नहीं है तो भी वो कोशिश करेगा कि वो आपसे बात करे, और यदि आप अपने प्रेमी को आकर्षित करना चाहते हैं तो ये रामबाण इलाज है। एक बार लगा दिया तो समझिए उम्र भर वो बस आपका है, कि लाखों लोगों पर आजमाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा प्रयोग है जो कि कभी विफल नहीं होता। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको ऐसा प्रयोग ना मिले। तो ये गुप्त साधनाएं हैं जो कि एडवांस लेवल में आती हैं। यदि आपने इससे पहले कुछ ऐसा साधना की हो, कोई ऐसी साधना आप पहले कर चुके हैं तो आपके लिए सुगम होगा, अन्यथा जो नए नए साधक बने होते हैं उनको तो बैठना ही नहीं आता कि एक दो घंटे की बैठक कैसे लगाई जाए। तो आइए मंत्र जान लेते हैं। तो मंत्र है ओम नमो नमः पिशानी रूप त्रिशूलम खड़गम हस्ते सिंहरूढ़े अमुकी मे वशमा गच्छमा गच्छम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः पिशानी रूप त्रिशूलम खड़गे हस्ते सिंहरूढ़े अमुकी। अमुकी की जगह आप अपने साध्य का नाम ले सकते हैं, चाहे वो अमुक हो या अमुकी हो, किसी को भी आकर्षित किया जा सकता है। मैं वश मा गच्छम मा गच्छ कुरु कुरु स्वाहा। यदि मंत्र में कोई त्रुटि दिख रही हो, समझ में ना आ रहा हो, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9992841625 पर, वहाँ पर आपको इसकी पूरी डिटेल दे दी जाएगी। इस मंत्र को सिद्ध करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इसको होली दिवाली या फिर सूर्य ग्रहण पर 1008 की संख्या में जाप करें, किंतु इतना अधिक समय आप प्रतीक्षा ना कर पाएँ तो 21 दिनों तक प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में इसकी 1 से 3 माला करने पर भी ये सिद्ध हो जाता है। सिद्ध करने के बाद आपको अपने आप ही स्वतः ही अपने आसपास एक ऐसा आभा मंडल दिखेगा जो कि दूसरों को आपकी ओर आकर्षित कर रहा है। ना चाहते हुए भी जो सामने वाला व्यक्ति है वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा आपसे बात करने के लिए। कुछ ऐसा घटित हो जाएगा जो कि अलौकिक होगा, कोई ऐसी शक्ति अवतरित होगी जो कि दूसरों को आपकी ओर खींच कर लाएगी। आपने अगर दिन को रात कह दिया तो सब रात कहेंगे। अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है, और ये इतना सटीक है कि एक बार किसी पर लग गया तो जन्म जन्मांतर तक वो सामने वाला बस आप ही के गुणगान करता रहेगा। इस मंत्र का कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग में ना लाएं। साधक को चाहिए कि वो किसी भी तरह का मादक पदार्थ जो है उसको ग्रहण ना करे, सात्विक रहे, कुसंगति से दूर रहे, कुविचारों से दूर रहे, और एकाग्रचित्त होकर इस मंत्र का गुम्फन करे। तो सामने वाला व्यक्ति भागा भागा दौड़ा दौड़ा आपके पास आएगा, और आप इससे किसी भी स्त्री पुरुष को अपने अधीन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं info@mohiniwidya.com पर, और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9992841625 पर। किसी भी तरह की जानकारी के लिए मैसेज कीजिएगा तो आपको 24 घंटे के भीतर भीतर इसका समाधान दे दिया जाएगा। धन्यवाद।